माय नेम इज़ मयूरी पांडे एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दिस टॉपिक इज सजेस्टेड बाय तुषार दागा और दगा, आई डोंट नो, पर थैंक्स, बहुत अच्छा टॉपिक है। और ये मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम का यूज़र नेम है, मुझे वहाँ पे फॉलो कर लो एंड यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो। हाँ बस इतना ही कर लो यार, बहुत है। अपने प्रति किसी के बिहेवियर को समझना बहुत ही मुश्किल होता है, स्पेशली तब जब सामने वाला इंसान खुद ही कन्फ्यूज हो, बट यू कैन स्टिल फाइंड आउट कि उनके मन में क्या चल रहा है। इतने स्मार्ट जो हो नहीं हो, कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ कुछ कुछ, ताकि उनके कन्फ्यूजन में आप कन्फ्यूज ना रहो और जान पाओ कि वो आपकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती है या फिर सिर्फ फ्रेंड। नंबर वन, शी वॉन्ट एक्सपेक्ट एक्स्ट्रा केयर फ्रॉम यू और शी वॉन्ट यू टू शो केयर। कैसा है? देखो ऐसा है, गाल चटक के लाल कर देंगे, नहीं नहीं करेंगे, सॉरी मेक जोक ऑफ के वीडियोस का ओवरडोज हो गया। बट ऑन अ सीरियस नोट, चाहे कोई कितना ही कह दे कि किसी से भी एक्सपेक्टेशन मत रखो, एक्सपेक्टेशन हर्ट्स, लेकिन फिर भी दिल है कि मानता नहीं। कोई हमें अपना लगने लगता है और मतलब किसी के लिए बहुत ज़्यादा प्यार उमड़ रहा होता है, तो हम ऑटोमेटिकली उस इंसान से एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि वो हमें इम्पोर्टेंस दे, हैं, होता है ना ऐसा। सो जब वो आपसे उम्मीद करने लगे एक्स्ट्रा केयर की और बोले कि यू डोंट मेक मी हैप्पी, मैं क्यों हैप्पी करूँ तेरे को, तू गर्लफ्रेंड थोड़ी है मेरी, तो ये तो हो गई बॉयफ्रेंड वाले केयर की बात जो वो एक्सपेक्ट कर रही है। तो पर बाकी अटेंशन एक्सपेक्ट करना कोई साइन नहीं होता है, वो तो सभी करती हैं। मैं खुद मतलब इफ़ वो सिर्फ दोस्त बन के रहना चाहेगी ना, तो भी से वो अपनी तारीफ करवाएगी, ज़बरदस्ती करवाएगी, क्योंकि आप उसके दोस्त हो। मैं मेरे भाई को नहीं छोड़ती थी, मैं कहती थी तू गिरबान में झांक अपने और पोल में सुंदर हूँ। सो इतनी भूखी होती हैं लड़कियाँ तारीफ की। नंबर टू, शी वोंट गेट जेलस और शी विल गेट जेलस। देखो वैसे बड़ी जलकुड़ी होती हैं लड़कियाँ, मैं खुद हूँ, लेकिन अगर वो आपके सिर्फ दोस्त बन के रहना चाहेगी तो वो नहीं जलेगी। एक बार मोमबत्ती जल जाएगी लेकिन वो नहीं जलेगी। क्या बड़ी अजीब होते हैं मेरे एग्जांपल, मोमबत्ती वैसे भी जलती ही है पर वो नहीं जलेगी, बिल्कुल नहीं जलेगी। अगर वो आपकी गर्लफ्रेंड बनना चाह रही होगी और उसकी इच्छा होगी, मतलब कि आप उनको उस तरह का इम्पोर्टेंस दें जो आप किसी और को ना दें, तो वैसा होगा, तो उसको चीज़ें बॉदर करेंगी, अदरवाइज नहीं। नंबर थ्री, शी फील्स गिल्टी वाइल टॉकिंग और शी सीम्स होपफुल वाइल टॉकिंग। यही चीज़ आपको सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़ करती है ना, कि बातें तो हम सब तरह की करते हैं, वो अपनी सब बात शेयर करती है मेरे से, पर ये देखो कि वो शेयर करते टाइम क्या शो कर रही है, गिल्ट या होप। क्या उसकी बातों में ऐसी बातें होती है कि तुम बहुत अच्छे हो, मैं तुम्हें कभी नहीं खोना चाहती और तुम बहुत अच्छी पार्टनर डिजर्व करते हो, ये उसका गिल्ट है कि मैं इससे इतनी बातें तो कर रही हूँ लेकिन कल को अगर ये मुझे प्रपोज करेगा तो मैं इसको मना कर दूँगी फॉर सम रीज़न। मेरे को नहीं पता वो रीज़न क्या है क्योंकि मैं वो लड़की नहीं हूँ। और होप आइडेंटिफाई आप इस तरह से कर सकते हो कि उसकी बातों में आप ऑनेस्टी देखो कि वो कितने जेन्युइनली इन्वॉल्व्ड है आप में, सो दैट आप को पता लग पाए कि वो आपसे होप्स रख के बात कर रही है या नहीं। नंबर फोर, रोमांटिकली इंटरेस्टेड और शी इज़ जस्ट बीइंग फ्रेंडली सो दैट शी कैन गेट सम बेनिफिट्स। दोनों में से जो भी चीज़ चल रही है उसमें अंतर बताओ। अच्छा तुम छोड़ो, मैं ही बताती हूँ। जो एक्चुअल में रोमांटिक इंटरेस्ट रखता है आपकी तरफ, वो ज़्यादा बातें नहीं करता, उनके बिहेवियर से, उनके एक्शन से आपको पता चलता है, वो जताता है इंसान। और जो फ़ायदा उठाने वाले लोग होते हैं वो बोलते हैं ताकि आपके माइंड को कन्विंस्ड रख पाएँ और गोल गोल बातें करके यू नो दिलासा भी देते हैं समटाइम्स, जबकि दिलासा देने वाली कोई बात ही नहीं है। वो इंसान बुरा कर रहा है आपके साथ इसलिए उसको बुरा लग रहा है, तो समझो इस फर्क को। वो आपसे इतनी बातें कर रही है इसका मतलब ये नहीं कि फिर आप उसके खर्चे उठाने लग जाओ। यू आर नॉट हर हस्बैंड और होने वाला हस्बैंड जो भी है। आई एम डूइंग लाइक खिचड़ी सीरियल का प्रफुल्ल मैं बापू जी। नंबर फाइव, सी द रियलिटी। गर्लफ्रेंड बनना चाहेगी तो कॉन्वर्सेशन में कॉन्ट्रीब्यूशन होगा उसका, और सिर्फ दोस्त बन के रहना चाहेगी तो जितना आप बात करोगे उतनी उसकी तरफ से भी बातें हो जाएंगी। एंड रिप्लाई नहीं आना या एहसान करने टाइप का रिप्लाई आना, तब तो गजब बेइज्जती, दोस्त तक नहीं बनना चाहती है। बुरे अवस्तर बांधो और निकलो यहाँ से, नहीं रुको, घर से थोड़ी निकाल ला है तुम्हें, टेक्स्ट इमोजी बांधो और निकलो यहाँ से अपना। हाँ सो इन शॉर्ट, दोस्त बनाओ तो अच्छे बनाओ, चाहे गर्ल डैश
फ्रेंड हो या बॉय डैश फ्रेंड, हद है यार अलग अलग नहीं बोल पा रही हूँ, मेल फ्रेंड हो या फीमेल फ्रेंड हो, बस मतलब ही नहीं होना चाहिए. एंड इफ़ वो मतलब ही है सो स्टे अवे फ्रॉम देम एंड मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो. इफ़ यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो शेयर इट विद एवरीवन एंड कमेंट करो बहुत सारे. लव यू ऑल.